अब टूटेगी थारे मारे बीच की हर दीवार और खत्म होगा 500 सालों का इंतजार। सिया तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? कुछ तो बोलो प्लीज। पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी माँ ने मना किया था ना बहरामगढ़ आने से, तो फिर क्यों आए? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पहुंची हूँ, अनजान सिटी, ना रास्ते पता ना कुछ, बस भटक रही हूँ। और तुम कभी तो किसी की सुन लिया करो राम, हमेशा अपने मन की करनी होती है। गीला टावल लाख बार बोलने के बाद भी बैठ गए, तुम्हारे शूज कहीं और, तुम्हारे सॉक्स कहीं और, शावर के बाद बाथरूम ऐसे ही छोड़ देना, टॉयलेट सीट हमेशा गिरा के आ जाना। सिर्फ तुम्हारी हाइट ना टावर जितनी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारा जितना है ना छोटू सा। वैसे रसगुल्ला काफी कमजोर हो गई, मेरा खून नहीं पिया ना एक दिन से। जस्ट शट अप ओके। और कितनी बार बोला है मुझे रसगुल्ला मत बुलाया करो, मुझे मुझे पता होता ना तुम इतने इरिटेटिंग हो, मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। और ये जो इंडिया क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। झूठ, साफ साफ बोलो, जो डिवोर्स पेपर्स तुमने भिजवाए हैं उन पे साइन चाहिए तुम्हें। राम तुमने शायद एक झटके में सब कुछ भुला दिया है, लेकिन लेकिन मुझे वक्त लगेगा। सो प्लीज तुम लंदन जाओ, मैं पेपर्स भिजवा दूँ। बेताब आंखें, बेचैन दिल, बेपरवाह सांसें, बेबस जिंदगी, बेसब्र रूह, बेहाल सी मैं, और बेखबर आप राणा साहब, इतो लंबो इंतजार किया है थारा, ऐसे ना जानी दूंगी तने। Who is that? मैं देखता हूँ। मैं देखती हूँ। राम दरवाजा नहीं खुल रहा है। राम बहरामगढ़ में रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्या कर रहे हो? रिलैक्स, मिस कायदा कानून, बाहर दूर दूर तक कोई नहीं। अब मेरा हाथ लो और बाहर आओ। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट था, इसीलिए हाथ थामा था तुम्हारा, लेकिन वो डिवोर्स पेपर्स देके तुमने साबित कर दिया कि अब हमारे रास्ते बदलने का वक्त आ चुका है। किस्मत में मेरी ही लिख दी है, क्यों तूने तन्हाई, कैसे समझाऊं तुझको, प्रीत किरीत जुदाई है, प्रीत किरीत जुदाई। अब ना साथ छोड़ना है, ना ही धारा हाथ छोड़ना है। इसी पल के इंतजार में तो नजरें बिछाए बैठी थी मोहिनी, राणा साहब।
निगोड़ी, मारी किस्मत भी घनी फूटी है। मन तो छू लिया, पर 500 सालों के इंतजार के बाद भी मैं थारा तन ना छू सकी। तारे कदमों की धूल मारे माथे का सौभाग्य हैराना सा। तो नाटक रहे हम दोनों थे, कुछ किस्मत की साजिश थी, कुछ मारी दुआ। राम, दादी माँ ने कहा है भैरामगढ़ में रुकना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। लेट्स लीव। पंक्चर गाड़ी और रेगिस्तान के तूफान में मरने से अच्छा है कि हम इस किले में शेल्टर लें। और वैसे भी ये किला मुझे जाना पहचाना लग रहा है। इस किले में थारी जान भी है और अठे से थारी पुरानी पहचान भी है, पर यो कौन है थारे साथ जो दुम चली बने पीछे पीछे घूम रही है? पार करो यो रेखा, पधारो अपने किले में। आपको अठे ना आना चाहिए था। कौन है आप? लो, मैं भी बावड़ी हो गई। आपको रोकने में इतनी मशगूल हो गई कि नजर उठा के देखो भी नहीं अपने कुंवरसा को। निकोड़ी, रेगिस्तान हो रखी हमारी आंखों में, बारिश बन के छलक गयो कुंवर साहब तो। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हैं आप कुंवर साहब? अपनी दाई माँ के पैर छू रहा हूँ। हे मन, पहचान लियो? अपनी दाई माँ को नहीं पहचानूंगा,
बचपन से आज तक दादी माँ ने आपके बारे में इतनी सारी बातें बताई हैं, इतनी सारी कहानियां बताई हैं कि मैंने एक तस्वीर इमेजिन की थी। और दाई माँ, आपका चेहरा उस तस्वीर में एकदम परफेक्ट बैठता है। दाई माँ ऐसी है, मेरी पत्नी है। आशीर्वाद दीजिए, सदा सुहागन रहो, आप दोनों पर किसी का भी बुरा साया ना पड़े। वो चुड़ैल अट्ठे कट्ठे ही है, कुंवर सा के साथ कुंवरानी सा की मौजूदगी बर्दाश्त न करेगी, और अब तो किले की अभिमंत्रित दीवारों में वो ताकत ना रही जो उसे बांध कर रख सके। चलिए कुंवर सा, तूफान आने वाला है, अब यहाँ रहना ठीक ना है क्या? लेकिन प्रॉब्लम क्या है दाईमा, हर कोई मुझे यहाँ रुकने से मना क्यों कर रहा है? कुंवर सा, रेगिस्तानी तूफान की फितरत बड़ी जालिम हो गए है, ये रेत पेड़ पौधे ने जिंदगी ना दे सके बल्कि पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सके हैं, इसलिए फिलहाल यहाँ रहना ठीक ना है। लेकिन दाईमा, अब हम जाएंगे कहाँ? आपके महल बहरामगढ़ कुंवरानी सा, चलिए। साल बाद मारे से मिलने आए मारे राणा साहब, और तोहफे में लाई भी तो क्या, हारी सौतन। मैं उनकी हूँ, ये राज तो वो जान जाएंगे, पर वो किसके है ये सवाल मन ने चैन ना लेने देवेगा। इतने में ही थक गए राणा साहब, अब तो खेल शुरू हो है। एक बात पकड़ लिया ना तो जिंदगी भर ना छोड़ूंगा मैं। ना छोड़ने का वादा बाद में राणा साहब, पहले पकड़ने का हक तो अदा करो। अच्छा तो बच के दिखा। राणा साहब नहीं, राणा साहब नहीं, पकड़ लियो ना। अच्छा जीत गए हो आप, अब छोड़ो मने। छोड़ने के लिए ना थामो यो हाथ में, जिंदगी भर इसे थाम के रखूंगा। अगले 7 जन्म तक हमारा हर पल हर सांस सिर्फ थारे नाम होगी। राणा साहब वापस तो आ गए पर अपना वादा भूल गए, पर मैं ना भूली। राणा साहब मारे थे, मारे हैं और मारे ही रहेंगे।
खम्मा घड़ी कुंवर सा, खम्मा घड़ी कुंवर रानी सा। सिसोदिया वंश रामगढ़ के राजा क्षत्रिय का रानी माँ, क्षत्रिय का धर्म सिर्फ शस्त्र उठाना, हमारी प्रजा हमारा जाति की सुरक्षा करना भी। आज तक ना आने कुंवर सा, राजा साहब, हमने आपका आशीर्वाद बेहद खुश है। आप क्षत्रिय का धर्म सिर्फ शस्त्र उठाना नहीं, राजा प्रजा की सुरक्षा करना आपसे बेहद खुश है। क्षत्रिय का धर्म सिर्फ शस्त्र उठाना नहीं, राजा की सुरक्षा करना आपकी प्रजा आपसे बेहद खुश है। तिलक है, अनेका तिलक है। कुंवर सा, रानी मां, हमने आपका रिश्ता तय कर दिया है। रहे हैं क्षत्रिय का धर्म सिर्फ शस्त्र उठाना नहीं, आपकी प्रजा की सुरक्षा करना है। क्षत्रिय का धर्म सिर्फ शस्त्र उठाना नहीं, मेरी मां की प्रजा की सुरक्षा करना है। री जलेबी, दाइमा, खम्मा गणी, दाइमा, खम्मा गणी, कुंवर सा कुंवरानी सा ना कमरो तैयार से? जी दाइमा। कुंवरानी सा, ये जलेबी। जलेबी? जबान मीठी चाशनी। और फितरत से? बड़ी गोल मोल टेढ़ी मेढ़ी से ये कुंवरानी सा। इसीलिए जलेबी। जा पानी ले आ। जी दाइमा। कुंवरानी सा पधारो। ये महल इतना अपना सा क्यों लग रहा है? टोकरी परेशान, राना सा हैरान, सौतन माना मान तुम्हारी मेहमान। ऐसा लग रहा है जैसे यही पला बड़ा हूं। नहीं नाना, कुंवर सा आप अठे ना आए हो कभी? दादी माँ की कहानियां तस्वीर बनके सहन में बस गई है आपकी शायद, इसीलिए रानी सा का फोन हो को। तो रानी सा बात कर लो, घड़ी फिकर हो रही थी उनने थे लोगों की। जी दाइमा। हेलो, शुक्र है सिया, आप वहां पहुंच गई। राम आपके साथ में है ना? जी दादी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, राम ठीक है। राम वहां ठीक नहीं है, आप फौरन उनको लेके कल सुबह की फ्लाइट से लंदन आइए। और जब तक आप लंदन की फ्लाइट में नहीं बैठ जाती हैं, आप साए की तरह राम के साथ रहिएगा। एक पल के लिए भी उन्हें अकेला मत छोड़िएगा, सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें इस खतरे से बचा सकती। दादी माँ, आप किस खतरे की बात कर रही हैं? और मैं कैसे? याद रखिए सिया, अपने सच्चे प्यार की ताकत से सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापिस पा लिए थे। आप राम की पत्नी हैं। आपका सच्चा प्यार ही राम की ढाल है, इसीलिए उनका साथ कभी मत छोड़िएगा, उनका हाथ कभी मत छोड़िएगा। बी सेफ बेटा। कपड़े पहन लो राम, वरना ठंड लग जाएगी। ठंड का बहाना तो पुराना हो गया मैडम।
अगर नियत बिगड़ रही है तो दूसरे कमरे में जाकर सो सकती है। वो ही सही होगा। आप साय की तरह राम के साथ रहिएगा फरना। क्या हुआ? मिस कायदा कानून, हस्बैंड हूं तुम्हारा, जी भर के देख सकती हो, टैक्स भी नहीं लगेगा। हाँ बस रसगुल्ला समझ के खा मत जाना। क्या था ये? ताकत बहुत ज्यादा नहीं आ गई तुम में? खैर उस तरफ से नहीं तो इस तरफ ही सही। ये क्या है? खुद से पूछो राम, दूरियां तुमने बढ़ाई हैं। भले ही मैंने उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम में दूरियां कम हो गई हैं। I wish तुम्हें बता पाता कि तुमसे दूर जाना मेरी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी है। I love you, Sia. I really love you. Rana sir, तारी आँखों में तो मन्ने सौतन के नाम के आंसू भी ना बर्दाश्त। 500 साल की जुदाई के बाद यो कैसी परीक्षा ले रहे हो मारी? ऐसी क्या देख रहे हो? बस यही देख रहा हूँ कि तुम कैसे हर रात इस तरह से मेरा हाथ पकड़ के सोती हो, ताकि मिस्टर खजूर आप इस कायदा कानून से डर के कहीं भाग न जाएं। खजूर? What kind of a name is that? क्यों? इतने लंबे हो, सड़े सड़े से रहते हो, चुभने वाली बातें करते हो, तो हुए ना खजूर। आओ। क्या हुआ राम? हाथ मूव नहीं कर रहा है। हाथ मूव क्यों नहीं कर रहा? वो रात भर तुम हाथ पे सर रख के सोई थी ना, इसलिए शायद सुन हो गया। कम खाया करो मेरी रसगुल्ला। फिर से मुझे रसगुल्ला बोला? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्या हो गया है राम, हमें किसकी नजर लग गई है? मारी सांस भी टूट जावे पर थारी आस ना टूटने दूंगी रानी सा। जबान और जान दोनों एक ही बार दी जा सके है रानी सा। जबान तो मैंने दे दी तले, अब जो कुंवर सा की हिफाजत में जान भी देनी पड़े तो वाह भी दे दूंगी। पूरो महल नमक से बांध दियो है, उसका जादू अट्ठे ना चलेगो। रिडोकरी बुड्ढी, थारी बुड्ढी हड्डियों में इतना दम ना है जो मोहिनी को उसके राणा सा से दूर रख सके। अरे पगली, आज तो मन्ने वो खुद याद करेंगे, उनकी जबान से निकला मारा नाम ही तो हम दोनों के बीच की दूरियों को मिटावेगो। मारे पायल की आवाज, ये रेत की सरसराहट और मारे भूरे जादू के दबदबे को तो त्रिदेव ना नकार पाए। फिर ये तुम्हारे राणा सा है, आज भले ही वो मन्ने भूल गए हो पर याद दिलाना इतना मुश्किल काम ना से कि ये घाघरा पलटन वाली मोहिनी रेगिस्तान की दुल्हन अपनी जान से ज्यादा उनकी जान का इंतजार कर रही थी। आज राणा सा को उनकी मोहिनी से मिलने से कोई ना रोक सकेगा। जब मारी पुकार उनके दिल तक पहुंचेगी तो उनके कदम खुद मारी तरफ बढ़ने लगेंगे। अब 500 सालों का मारा इंतजार खत्म। ये इंतजार खत्म कर देती हूँ मैं राम, कर देती हूँ डिवोर्स पेपर्स पे साइन, लेकिन बस एक जवाब चाहती हूँ तुमसे। अचानक क्यों? आखिर मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो रातों रात तुमने तलाक लेने का फैसला कर लिया राम? राम? आ जा रे।
आइए राणा साहब, मारे करीब आइए, इतने करीब कि जिंदगी पीछे छूट जाए और मौत बहुत गले लग जाए। कुंवर साहब, इतनी रात को कटे जा रहे हैं? Go!